जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आरआर स्वैन ने साल के सालाना रिपोर्ट को लेकर किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा इस वर्ष आतंकवाद पर पत्थरबाजी में शामिल होने वालों की संख्या में आई कमी। कहा अब कश्मीर घाटी में नहीं होती हड़ताल और इस वर्ष G20 का भी किया गया आयोजन। उन्होंने कहा कि सब लोगों की जान बचाना हमारी पहली प्राथमिकता, हर एक जान हमारे लिए कीमती। श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से दूसरी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई गई प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कटरा से किया दूसरी वंदे भारत में सफर। जम्मू के गंगैन इंडस्ट्रियल एरिया में गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी फायर ब्रिगेड देर शाम तक नहीं पा सकी पूरी तरह से काबू। करोड़ों रुपए का सामान जल कर राख, आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर एनसीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने दी बधाई। बोले भगवान राम केवल हिंदुओं के नहीं है, वो दुनिया में हर किसी के हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में भाईचारा कम हो रहा है और इसे पुनर्जीवित करने की जरूरत है। एबीपी के राष्ट्रीय सचिव गुलाम मुस्तफा ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। जापान के टोक्यो में सार्क देश के युवा नेताओं के समिट के बारे में दी गई जानकारी। लोगों के ग्रीवेंस को लेकर यंग बाइट्स की टीम पहुंची विक्रम चौक के पास, जहां सड़क की है खस्ता हालत। प्रशासन द्वारा की जा रही अनदेखी, लोगों का कहना आए दिन होते रहते हैं हादसे। जम्मू कश्मीर में कोहरे और कड़ाके की ठंड का डबल अटैक। गुलमर्ग से अधिक ठंडा रहा श्रीनगर, अभी बर्फबारी से और बढ़ेगी सर्दी। श्रीनगर -3.3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ गुलमर्ग से ज्यादा ठंडा रहा। जम्मू में भी सुबह कोहरा छाया रहा। विदेश मंत्री ने किया रूस का दौरा, राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात, कई अहम समझौते पर हुई बातचीत।